अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द फिजिक्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वाई सीरीज़ का, कि वाई डू सम मेटल्स गो रस्टी, यानी कुछ मेटल जो होते हैं उन्हें जंग क्यों लग जाते हैं, वो रस्टी क्यों हो जाते हैं, तो इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आयरन एंड स्टील रस्ट व्हेन दे कम इन कंटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी जो आयरन और स्टील रस्ट यानी जंग उन्हें इस वजह से लगता है कि वो जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जब वाटर व्हेन वाटर हिट्स आयरन फॉर एग्जांपल इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाटर आयरन के साथ हिट करता है तो उसके साथ कनेक्ट होते हैं, उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इन एयर टू फॉर्म कार्बन एसिड, और जब एयर के साथ मिलते हैं तो कार्बन एसिड बनाता है और देन आयरन इज डिजॉल्व, और यही आयरन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, डिजॉल्व होता है। और कुछ वाटर जो होते हैं, सम ऑफ द वाटर विल ब्रेक इनटू इट्स कंपोनेंट, कुछ वाटर अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं वाटर के। तो दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद डिजॉल्व आयरन, तो यही जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व आयरन के साथ मिलता है और उससे बनाता है आयरन ऑक्साइड, और यही आयरन ऑक्साइड जो है हमारे पास, इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट, यानी जंग जो होता है वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। तो ये रीज़न है कि आयरन को जंग क्यों लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।